मारपीट, खून खराबा और सीरियल किलर, आपने ये सब हिंदी फिल्मों में खूब देखे होंगे। 3 घंटे की फिल्म में जो हैवानियत और बेरहमी से लोगों को मारते दिखाया जाता है, उसे देखकर दिल दहल जाता है। लेकिन आज फिल्मी दहशत नहीं, बल्कि असल जिंदगी के सीरियल किलर की दहशत से आपको रूबरू कराएंगे, जिनसे पूरा भारत हिल गया था। देश में कई सीरियल किलर ऐसे हुए हैं जिनके कारनामे सुनकर आप दहल जाएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं देश के 4 सबसे खूंखार सीरियल किलर के बारे में। नंबर 1, ऑटो शंकर। गौरी शंकर नाम का ये शख्स ऑटो चलाता था। 1988 में 6 महीने की अवधि में उसने चेन्नई में 9 किशोरियों का अपहरण किया और खून किया। साल 1995 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। मौत से 1 महीने पहले उसने कबूला था कि अगवा की हुई लड़कियों का नेताओं ने रेप किया था। उन नेताओं के कहने पर उसने लड़कियों की हत्या की। 1995 में सलेम की जेल में ऑटो शंकर को फांसी की सजा दी गई। नंबर 2, साइनाइड मोहन। 1963 में केरल में जन्मा मोहन कुमार उर्फ साइनाइड मोहन लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। वो उनके साथ संबंध बनाता और फिर उनको गर्भ निरोधक दवा के बहाने साइनाइड की गोलियां दे देता। साल 2005 से 2009 के बीच उसने इस तरह से 20 महिलाओं को मौत के घाट उतारा। अपराध जगत में आने से पहले वो एक प्राइमरी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन का शिक्षक था। दिसंबर 2013 में उसको मौत की सजा सुनाई गई। नंबर 3, सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र कोहली नोएडा के एक धनी व्यापारी मोनिंदर सिंह पंडेर का घरेलू नौकर था। साल 2006 में नोएडा के निठारी गांव में बच्चों की खोपड़ियां बरामद हुई। उसके बाद मालिक नौकर दोनों को गिरफ्तार किया गया। सुरेंद्र कोहली ने बताया था कि वो पास में खेल रहे बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर अंदर बुलाता था, उसके बाद वो उनको मारकर खा जाता था। 28 जनवरी 2015 को उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और नंबर 4, चार्ल्स शोभराज। चार्ल्स शोभराज ने दक्षिण पूर्व एशिया के अलग अलग हिस्सों में 1975 से 1976 के बीच लगभग 12 लोगों की हत्या की थी। शोभराज हत्या करने के बाद उन्हें लूटता था ताकि ऐश की जिंदगी जी सके। शोभराज बहुत ही शातिर था। वो पहले लोगों की मदद करके उनका भरोसा जीतता था, फिर उन्हें मार देता था। एक बार उसने फ्लोरल बिकनी पहने 2 महिलाओं की हत्या की। तब से उसे बिकनी किलर कहा जाने लगा। उसे भारत में पकड़ा गया था, तब वो 1976 से 1997 तक जेल में रहा था। बाद में साल 2004 में उसे नेपाल में गिरफ्तार किया गया था। अब वो अपनी दूसरी उम्र कैद की सजा काट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।